अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस से दही भल्ले की रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है, साथ ही हम इसको दो चटनियों के साथ बनाएंगे। उन दो चटनियों की भी रेसिपी आज मैं इसी वीडियो में दूंगी, ताकि आपको दही भल्ले की रेसिपी कंप्लीट लगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने दो टाइप की दाल लिए हुए, एक मूंग की दाल लिया हुआ है और एक मैंने उड़द का दाल लिया हुआ है। इन दोनों को मैंने धो के दो घंटा पहले भिगो दिया था, ये बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ एक दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उड़द की दाल का। मैंने इन दोनों दालों को इक्वल क्वान्टिटी में लिया हुआ है। तो चले इसको हम पीस लेंगे मिक्सर से। बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इन दोनों दालों को पीस लिया है। ये देखिए इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये हल्का सा, ना एकदम ज़्यादा जाड़ा है ना एकदम ज़्यादा सा महीन बना है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से विस्किंग के फेंट लेंगे। बस इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, ना ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ दाल को धोया है और इस तरीके से पीस लिया है। अब मैंने बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। जब आप ये बैटर जो पानी में डालेंगे ना तो वो ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि बैटर बन के तैयार हुआ। तो चले अब हम चटनी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने इमली को भिगो दिया था और उसको अच्छे से छन्नी से छान के उसका जो पल्प होता है मैंने निकाल लिया था। अब हम पे मैं 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर दूँगी। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसको बॉयल होने देंगे। यह बहुत जल्दी और झटपट 5 मिनट में बनके तैयार होता है। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे काला नमक ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सादा नमक ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, ये सिर्फ कलर के लिए लिया हुआ है, तीखा नहीं होता है। अब यहाँ पर ऐड कर दूँगी मैं ज़ीरा 1 टीस्पून। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शक्कर लिया है। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है और ये फटाफट से 5 मिनट के अंदर बनके तैयार होता है ये चटनी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गाढ़ा होना चालू हो गया है, इसका मतलब ये है कि चटनी हमारा बन चुका है। बस अब हम गैस के स्टोव को ऑफ कर लेते हैं और इसको ठंडा कर लेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी चटनी बनाएंगे, हरी वाली। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया हुआ है, 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची लिया हुई है। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा पुदीना के पत्ते लिया हुआ है और 2 से 3 मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हुई है। अब हम इन सारी चीज़ों को जार में ऐड कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है, आप चाहें तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर दूँगी और इसको मैंने पीस लेना है। यहाँ पे मेरी दोनों चटनियाँ बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इसको हम कोई भी चाट पकौड़ी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम 15 दिन आराम से फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, खट्टी मिट्टी चटनी को। तो चले अब मैं यहाँ पे दूसरा स्टेप दिखाती हूँ आपको। 350 ग्राम मैंने यहाँ पर दही लिया हुआ है, उसमें शक्कर ऐड कर दूँगी और इसको बहुत अच्छे से फेंट लूँगी और इसको कर दूँगी साइड में। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें पकौड़ियाँ ऐड करती हुई जाऊँगी। इस तरीके से सारे पकौड़े हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे और अच्छे से देख सकते हैं आप लोग, ऑयल में जो पकौड़ी है वो नीचे नहीं बैठा है, वो ऊपर से तैर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बैटर को आप जितने अच्छे से फेंट सकते हो फेंटें, तो उससे दही भल्ले का जो पकौड़ी होती है ना, बहुत ज़्यादा जालीदार और बहुत ही नरम मुलायम बनता है। तो आप ज़रूर से इसको फेंटें इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कलर आने देंगे। इसके बाद हम इन सारी पकौड़ियों को निकाल लेते हैं। अब हम कर लेते हैं इन सारी पकौड़ियों को साइड में। यहाँ पे मैं एक बाउल ले रही हूँ और मैं उसमें ऐड कर दूँगी पानी। पानी जो है रूम टेम्परेचर पे हो। हींग और नमक, नमक हम बैटर में यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से पानी में यूज़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे पानी में। और हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारी पकौड़ियाँ। पकौड़ियों को ऐड करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको इसमें पानी में नहीं छोड़ना है पकौड़ियों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर सॉफ्ट हो जाएगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आपको इसको छोड़ देना है और उसके बाद में इस तरीके से निचोड़ लेना है पानी को और फिर सारी पकौड़ियों को निकाल लेना है पानी से। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट और बहुत ही जालीदार ये वड़ा बन के तैयार है। देखें कितना सॉफ्ट सा है और ये देखें एकदम जालीदार है। तो इसी तरीके से आप बनाएं तो आपके दही भल्ले बहुत ही ज़्यादा नरम बनेंगे। और मैं यहाँ पे इन सारी पकौड़ियों को
इसमें ऐड कर दूंगी और इसके ऊपर हम दही डाल देंगे। दही को भी बहुत अच्छे से फेंटना होता है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो बहुत ज़्यादा अगर आपका दही गाढ़ा हुआ हो तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, 3-4 टेबलस्पून आप उसमें पानी ऐड कर लें, हल्का सा वो कर लें, लेकिन मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ दही में। मुझे इस तरीके से ही गाढ़ा गाढ़ा सा दही हो और वड़े पे तो मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी उसमें चटनी, जो ये हम बना के रखे थे पहले से, मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरी चटनी को भी। देखिए कितनी मज़ेदार सी बना है हमारा दही भल्ले, आप इसको ज़रूर से बनाएं। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले नए हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसको बनाएं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, फिर लौट के आऊँगी सिंपल एंड डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।